एसटीएफ ने साइबर क्राइम के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक सीनियर सिटीजन को फोन आया कि उनके नाम से एक कोरियर कंपनी का पार्सल आया है, जिसमें अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड आदि बरामद हुए हैं। इसके बाद सीनियर सिटीजन को साइबर ठगों ने अपने आप को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया और पीड़ित को डिजिटली गिरफ्तारी की बात कही। उसके बाद पीड़ित को डराकर 1,13,00,000 रुपए का ठगी कर दिया। शिकायत पर एसटीएफ ने एक टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और राजस्थान से गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इन्हें हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में एक मामला सामने आया था, जिसमें कि जो पीड़ित थे उनके द्वारा बताया गया कि उनको एक कॉल आता है जिस फेडेक्स कोरियर के नाम से, और उनको बताया जाता है कि उनके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें कि अवैध पासपोर्ट और अवैध नारकोटिक्स इत्यादि सामग्री है। और उसके बाद में उनको बोला जाता है कि वो कुछ कस्टम ऑफिशियल्स बनकर कुछ लोग बात करते हैं, और फाइनली उनके बाद उसके बाद कॉल आगे ट्रांसफर हो जाती है और मुंबई क्राइम ब्रांच से बताया जाता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच से कोई उनसे बात करेगा। उनको वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया जाता है और सामने कोई पुलिस की यूनिफॉर्म में और बैकग्राउंड में उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो रहता है, और उनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप लोग आप जो अपना माइक है, अपना कैमरा है ऑन रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। तो इस तरह से 5-6 दिन तक लगभग ये डिजिटली अरेस्ट रहते हैं, और इनको बोला जाता है कि जो आपने क्राइम किया है, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, अवैध पासपोर्ट बना रहे हैं, तो इसमें आपके विरुद्ध केस लिखा जाएगा, आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। और उससे बचने के नाम पर इनको बोला जाता है कि कुछ पैसों का आप कुछ खाते का डिटेल दी जाती है कि उन्हें पैसे ट्रांसफर करिए।